हम लोग अब तक जो पढ़े उसको दो मिनट में रिकैप करते हुए आते हैं, क्योंकि इससे कनेक्टेड पार्ट लिखकर आएंगे। हम लोग पढ़े कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट पे एप्लीकेबल है। तो हम लोग ये पढ़े कि किस चीज को ये लोग कौन कौन सा एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट माना, बोला फिक्स टेंजिबल एसेट को। अब उसमें भी कुछ कंडीशन रखा ए बी सी डी, ये चारों कंडीशन जो ऐसे फुलफिल करेगा वो पीपीई कहलाएगा। हेल्प फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन या ऑफिस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम रेंटल पे देने के लिए रख के रखें तो भी वो मेरा फिक्स एसेट माना जाएगा। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा हेल्ड हुआ है तभी माना जाएगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और उसका वैल्यू यानी कॉस्ट डिटर्मिनेबल है तभी माना जाएगा। हम लोग क्या पढ़े, क्या नहीं माना जाएगा इससे बायोलॉजिकल एसेट को और वेस्टिंग एसेट को, एसेट नहीं कवर करेंगे। बायोलॉजिकल एसेट में दो चीज बोला, लिविंग एनिमल या फिर कोई ट्रीज और प्लांट, लेकिन ट्रीज और प्लांट में भी एक एक्सेप्शन कर दिया जहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल होता हो। इसके बाद बोला क्या क्या चीज एसेट के कैलकुलेशन में लेंगे, तो बोला एसेट का परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल या एडजस्टेबल कोई टैक्स या ड्यूटी है, प्लस कोई इसको ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग इंस्टॉलेशन चार्ज इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस खाली ट्रांजिट का, कोई प्रोफेशनल फीस या कोई स्टार्टअप एंड कमिंसमेंट का कॉस्ट जिसको ट्रायल एंड रन बोलते हो, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, कॉस्ट टू बी एसेट प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए खर्चा, कोई मटेरियल या लेबर का खर्चा लेकिन माइनस कर लेंगे स्क्रैप, और अगर उस एसेट को कोई डिस्पोजल या रिमूवल का खर्चा जो हमको एडवांस में पता है कि फ्यूचर में लगेगा जिसको डीकमिशनिंग बोलते हैं, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं। दो चीज, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक कोई स्क्रैप अगर रियलाइज होता हो तो। एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वो डीकमिशनिंग का खर्चा के लिए प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, क्योंकि वो फ्यूचर में देने। क्या क्या नहीं लेंगे, तो बोला कोई इनॉग्रेशन का खर्चा लगता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगता है, स्टाफ को ट्रेनिंग का खर्चा लगता है, कोई एबनॉर्मल लॉस है इनिशियल स्टेज में, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, या कोई रीएलोकेशन का कॉस्ट है, ये सब खर्चा नहीं लेंगे। इसका एग्जांपल सॉल्व किए थे, पढ़े थे। अगर हायर परचेज बेसिस पे लिया है तो सर इंटरेस्ट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट अनलेस एंड अंटिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अगर बोलता है लेना है तब ले लेंगे। अगर एसेट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो जो एसेट नया ले रहे हैं उसका फेयर वैल्यू, अगर वो नहीं गिवन है तो जो एसेट दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू, उसका बुक वैल्यू सॉरी। इसके अलावा कुछ अदर इम्पोर्टेंट बातें थी कि कुछ एसेट अगर वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं रखता है तो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारा छोटे छोटे एसेट जोड़ के अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहा है तो उसको सेम ग्रुप में डाल के एक साथ ले देंगे। अगर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको एसेट मानेंगे, कोई अगर इरेगुलर सर्विस है या स्टैंडबाय इक्विपमेंट है या कोई स्पेयर पार्ट है उसको भी एसेट में ट्रीट करेंगे। इसके बाद पढ़े थे अगर एसेट को बाद में कोई और खर्चा लग रहा है उसका ऐसा कोई खर्चा जो मेजर खर्चा है तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, और अगर वो स्मॉल खर्चा है तो उसको पीएल में राइट ऑफ कर देंगे। डे टू डे सर्विस का खर्चा पीएल में जाएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट का कोई ऐसे खर्चा लग रहा तो कैपिटलाइज होगा। इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल सम देखे थे। फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आए थे कि पीपीई का रिवैल्यूएशन करें कि हर बार उसको कॉस्ट पे रखें, बोले कॉस्ट माने डेप्री करके बुक वैल्यू रखें कि रिवैल्यूएशन करें। तो बोला था यहाँ पे कि अगर आपको लगता है ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि रिवैल्यू करना चाहिए, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू पे एसेट को हर बार रिकॉर्ड करना चाहिए, हाँ एक क्लास ऑफ शेयर पे अगर ये एप्लीकेबल कर रहे हो तो उस क्लास के सारे शेयर पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन सारे एसेट्स पे नहीं, हर क्लास हर एक अलग अलग एसेट पे नहीं लगेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कर सकती हो। अगर वैल्यू फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो एवरी ईयर रिवैल्यू करो, और अगर वैल्यू तुमको लगता है फ्रिक्वेंटली नहीं बदल रहा है तो 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू कर लो, और एक सर्टिफाइड वैल्यूअर का ही वैल्यू को मानना, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाओ वो सर्टिफाइड वैल्यू देगा। इसका हम लोग नेट मेथड और ग्रॉस मेथड पढ़े थे। आज जो टॉपिक आएगा वो आवाज क्या है, टॉपिक रिवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट का रिलेशन क्या। एक मिनट रुको, इम्पेयरमेंट का क्या रिश्ता है, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या था, रिवैल्यूएशन तो समझिए सर ऊपर की तरफ वैल्यू रिवैल्यू होना, ठीक है,
लेकिन इम्पेयरमेंट मतलब नीचे की तरफ रिवैल्यू होना। इम्पेयरमेंट डेप्रिसिएशन का ही भाई है, डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू घटता है, लेकिन डेप्रिसिएशन तुम्हारा यूज वियर एंड टीयर उनके कारण होता है, लेकिन इम्पेयरमेंट वो मार्केट वैल्यू से अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके कारण होता है। ठीक है, तो देखो इम्पेयरमेंट का मतलब लिखा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंज होने के कारण या फेयर वैल्यू फॉल होने के कारण आप एसेट का वैल्यू को वापस से रिड्यूस कर रहे। तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस बनता है। पहले बोला मान लो इनिशियली हम उसको अपवर्ड रिवैल्यू किया था, ठीक है, लेकिन बाद में हमको उसको कोई कारण से डाउनवर्ड रिवैल्यू करना पड़ा, तो बोला जा रहा है जो इम्पेयरमेंट का लॉस है ना उसको पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करो, और अभी भी अगर ज्यादा ही डाउनवर्ड हुआ तो बैलेंस को पीएल में डालो। एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो 2019 में मेरा डब्ल्यूडीबी था 10,000, 2020 में उसका मार्केट वैल्यू 15,000 हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है 2019 से 2020 में एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अब देखो 2020 के बाद 2021 में क्या हुआ, एसेट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 2000 से गिरा है। तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट पहले एंट्री पास करना पड़ेगा, लॉस आपका एक्सपेंसेस लिए डेबिट नॉमिनल अकाउंट, और एसेट का दाम कम हो रहा है 2000 से, क्योंकि तुम्हारा एसेट देखो 10,000 था, तुम 5,000 से बढ़ा लिए थे, अब उसको वापस 13 पे लाना है तो 2000 से गिराना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस है वो पीएल में नहीं जाएगा, किससे एडजस्ट होगा, ये जो तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करके बैठे हो, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टू इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर सर इतना ज्यादा एसेट का वैल्यू डाउन होता कि इतना तो हम रिजर्व बना के नहीं रखे थे, जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, इन अगर 2021 में जो वैल्यू गिर के 13,000 हुआ ना, उसकी जगह अगर 7,000 हो जाता तो तुम्हारे पास रिजर्व कितने का बना हुआ है, 5,000 का, 5,000, लेकिन तुम्हारा एसेट का वैल्यू अब सब्सिक्वेंट ईयर में गिरा है 7,000 से, तो पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट 8,000, 15,000 का एसेट 7,000 का हो गया, 8,000 से गिरा है वैल्यू, क्योंकि तुम बढ़ा के उसको 15 कर लिए थे ना 2020 में, तो और अब वो घर के 7,000 हो गया, मतलब 8,000 से उसका वैल्यू गिरा है। तो सर मेरे पास लेकिन रिजर्व 5,000 ही है, तो ठीक है ना, 5,000 का रिजर्व से एडजस्ट करो, बाकी का पीएल में डालो टू इम्पेयरमेंट लॉस, क्लियर है कहानी। हाँ, लेकिन सर अगर उल्टा केस होता, स्टार्टिंग में रिडक्शन हुआ था और बाद में उसको अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं, तब क्या होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, 2019 से 2020 में पहले ऊपर की तरफ वैल्यू गया, बाद में वैल्यू डाउन हुआ, क्या बोलो सर, पहले वैल्यू अपवर्ड फिर डाउन। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट 19 से 20 में पहले वैल्यू डाउन होता और बाद में अप होता, तो बोला गया तुम्हारा जो इम्पेयरमेंट लॉस का अकाउंट बना हुआ है ना पहले साल में, तब तो आरआर है नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ डाले होगे, पीएल में। अब उसको पहले रिवर्स करो, इट विल बी रिवर्स इफ इंक्रीज इन वैल्यू, अगर वैल्यू जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, तब तुमको आरआर क्रिएट करना है। तो देखो क्या हुआ, मान लो 2019 में तुम्हारा डब्ल्यूडीबी 10,000 है, 2020 में वो मार्केट वैल्यू 9,000 हो गया उसका, तो सर पहले पहला साल में वैल्यू गिर रहा है, तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट 1,000 और फिर पीएल टू इम्पेयरमेंट लॉस, पीएल में ट्रांसफर कर दो किस इम्पेयरमेंट लॉस को। लेकिन सब्सिक्वेंट में क्या हुआ, देखो 2020 के बाद 2021 में क्या हुआ, मार्केट वैल्यू बढ़ गया और 11,000 हो गया, कितने से वैल्यू बढ़ा है, 2,000 से। तुम्हारा पहले इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक किया हुआ है पीएल में, 1,000, तो पहले तो उसको रिवर्स करो, मतलब एसेट का वैल्यू पहले तो 2,000 से बढ़ा, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल 1,000। लेकिन सर मेरा वैल्यू तो 2,000 से बढ़ा है, मेरे पास उतना पीएल में बैलेंस नहीं है रिवैल्यूएशन के कारण, इम्पेयरमेंट लॉस के कारण, ठीक है ना, बाकी के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व हो, बात क्लियर।
तो ये है तुम्हारा इम्पेयरमेंट का कारण, लेकिन बहुत काम का एग्जाम वाइज। अब आखिरी टॉपिक इस एएस का डिप्रिसिएशन। सर हमको पता है जो कि पहले ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कवर होता है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हट गया पूरे, अब पूरा का पूरा एएस 10 में डाल दिया गया डिप्री का कारण। ठीक है, अब बोला अकाउंट डिप्रिसिएशन के दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरीका होता है। अगर आप कंपनी हो, कॉरपोरेट एंटिटी हो आप, तो आपके ऊपर एएस 10 भी अप्लीकेबल होगा, प्लस शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट में ना हर एक का रेट दिया हुआ है बेटा डिप्री का, वो भी एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को कि फर्नीचर के लिए इतना, मशीन्स के लिए इतना, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इतना, टेंजिबल आके एसेट के लिए इतना, इनटेंजिबल एसेट के लिए इतना, वह रेट बताया हुआ है, फॉलो दैट। लेकिन अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो, माने इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कॉर्पोरेट नहीं हुआ, तो आपके ऊपर खाली एस 10 का रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब रेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब बोला मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। सर हम लोग जनरली 3 मेथड पढ़ते हैं, जिनमें 2 तो कॉमन है एकदम, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। एक और है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। मान लो हमें जीरोक्स मशीन लाया 3 लाख रुपए का, बड़ा वाला एकदम, और जो बताया गया था कि ये मशीन का ना प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 लाख पेज तक जीरोक्स कर पाओगे, तो डिवाइडेड बाई 10 लाख। अब मान लीजिए सर इस साल 20,000 पीस जीरोक्स हुआ, तो x20 कर लो, इस ईयर का डिप्री आ गया। अगले साल 30,000 पीस हुआ, तो अगले साल x30 कर लो, उसके अगले साल 10,000 पीस हुआ, तो x10 कर लो। मतलब जितना यूनिट प्रोड्यूस हो उस हिसाब से डिप्रिसिएशन को बुकिंग करो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। समझ में आया बात? ये 3 मेथड तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिकमेंड करता है। सर हम कौन सा मेथड चूज करें जो तुमको पसंद है? कोई कंपल्सन नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, बट कुछ बातें बोलिए जो ध्यान में रखो तो बेटर रहेगा, मतलब गाइडलाइन है। सेलेक्शन ऑफ मेथड ट्रू एंड फेयर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कुछ लॉजिक लगा के तुमको जो सही लगता है वो करो। तुम्हारे यहाँ एसेट का वैल्यू जल्दी जल्दी गिरता है तो SLM रखो, लेकिन तुम्हारे यहाँ एसेट का तुमको पता है कम कम गिरेगा तो WDV रखो। डिप्रिसिएशन मेथड टू बी रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में एक बार जरूर चेक करो कि जो मेथड फॉलो कर रहे हो ठीक है कि नहीं, बदलने का जरूरत है क्या। इफ रिक्वायर्ड टू चेंज देन इट विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मतलब उसको माना जाएगा कि तुम्हारा अकाउंटिंग एस्टिमेट बदल रहा है। एंड देयर विल बी नो एडजस्टमेंट इन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इस साल से बदल रहे हो ना बेटा, इस साल से तुम हर साल आगे, जैसे मान लो अब तक WDV करते हुए आ रहे थे, 3 साल हो गया, एसेट का लाइफ 10 साल है मान लो, तो 3 साल तक WDV कर लिए। अब यहां से तुमको लग रहा है नहीं SLM ही ठीक है इस मशीन के लिए, तो कर लो चेंज। यहां तक WDV तक घटने के बाद जो वैल्यू आ गया, यहां से डिवाइडेड बाई 7 कर लोगे उसको। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में कोई चेंज नहीं कर सकते, जो होगा आप आगे चेंज हो, ये बात ये लाइन बोलना चाहता था। ठीक है, तो ये सब बातें दिमाग में रखनी चाहिए। चलो आप बी नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ए कहाँ गए, बी आ गया, ठीक है पता नहीं। यहाँ पे बोल रहा है चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ एंड सेल्वेज वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पे बोला इट विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन एस्टिमेट्स, दोनों को ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंजेस माना जाएगा, मतलब आपका प्रिंसिपल या पॉलिसीज बदल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपका कॉस्ट है 1 लाख, सेल्वेज वैल्यू है 10,000 और लाइफ माने आप एसेट का 10 साल जब खरीद के लाए थे, आफ्टर 3 ईयर्स इट वॉज एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ, अब 5 ही साल बचा है। अभी हिसाब से 3 साल खत्म हुए तो और 7 साल होना चाहिए था, बट आपको लग रहा है भैया जी ये 5 ही साल टिकेगा, और जो 10,000 आप सेल्वेज वैल्यू सोच रहे थे आज की डेट में 6,000 ही मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द रिवाइज डेप्रिसिएशन। तो पहले फर्स्ट 3 ईयर तक का क्या होगा सर, 1 लाख माइनस 10,000 बाई 10 साल 9,000 ईच ईयर,
तो आज के दिन जिस दिन तीन करने बोला है एसएलएम, एक बार के लिए एसएलएम बोल रहे बेटा, लाइफ वाला कहानी एस्टिमेटेड वगैरह ये सब है एसएलएम में पॉसिबल है, डब्ल्यूडी में आपको खाली रेट बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर थ्री ईयर तुम्हारे बुक में एसेट का वैल्यू कितना है, मतलब 1,00,-27,000, 3 साल का डिप्रिसिएशन 9,00,000-27,000, तुम्हारा बुक वैल्यू 73,000 बचा है। अब तुम 73-6,000 बाई 5 ईयर कर लो, आ गया ना, और अब एवरी ईयर 13,400 करके डिप्रिशिएट हो, क्लियर है। अगला काम का बात है कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑफ सेपरेट कंपोनेंट। कई बार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज बड़ी बड़ी मशीनें ऐसी होती है बेटा जिनका तुम अलग अलग पार्ट का अलग अलग डिप्रिसिएशन करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई ना नहीं। जैसे देखो बोला मेरा 50 करोड़ का एक मशीन है, मेरे को लग रहा है इंजन जिसका वैल्यू 20 करोड़ है, बॉडी जिसका वैल्यू 15 करोड़ और अदर पार्ट जिसका वैल्यू 5 करोड़ है। हम इंजन का अलग मेथड और अलग परसेंटेज से डिप्री करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है इंजन बहुत ज्यादा जल्दी घिसेगा, क्योंकि असली में तो मशीन का इंजन ही काम आ रहा है, बॉडी स्लो डिप्रिशिएट होगा। या उल्टा मेरा इंजन तो अंदर पैक है लेकिन बॉडी गाड़ी का जैसे होता है, गाड़ी बॉडी ज्यादा घिसेगा, बॉडी टकराता है बहुत चीजों से। मतलब आपको लग रहा है कि या तो बॉडी या इंजन दोनों का एक ही तरीके से डिप्रिसिएशन नहीं हो सकता, मत करो। आपको लग रहा है आप अलग अलग करो, लेकिन फिर उसको पूरा अलग अलग प्रेजेंट भी करना। तो यानी इंजन का सेपरेट डिप्रिसिएशन, बॉडी का सेपरेट डिप्रिसिएशन, बाकी जितना पार्ट बच गया सबका एक कंबाइंड डिप्रिसिएशन। तो आप तीन वैल्यू अलग अलग लेके पूरा चार्ट बना के डिप्रिसिएशन शो करो, क्लियर है। मतलब बैलेंस शीट में पूरे कार का एक साथ मिला के डिप्रिसिएशन लिखेंगे कि लिखोगे अलग अलग? नहीं नहीं, पूरा जब बैलेंस शीट में एक साथ डाल दोगे पीएल में, लेकिन ब्रेकअप में नोट्स में पूरा शो करोगे, सेपरेट दिखाना पड़ेगा ना बेटा किसका कितना लियो आप, वरना तो कोई कैलकुलेट बाद में समझ ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। सर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात और आखिरी पेज पे आ गए, कमेंसमेंट एंड कब डेप्री स्टार्ट करना चाहिए और सीजन मतलब कब डेप्री को रोक देना चाहिए। एकदम कॉमन सेंस का बात, जिस दिन वो रेडी टू यूज हो उस दिन से डेप्री स्टार्ट कर दो, एंड जिस दिन उसका एसेट को रिटायर कर रहे हो या रोक दे रहे यूज उसी दिन डेप्री बंद कर दो। सर अभी भी अगर एसेट का वैल्यू बच गया तो सर पीएल में राइट ऑफ कर दो, है ना, क्योंकि बेटा जी एक नॉर्मल सा बात है सर, डब्ल्यूडीबी मेथड में तो कभी जीरो होगा ही नहीं ऐसे भी वैल्यू, सीधा सा लॉजिक है सर, तो कभी तो कोई ना कोई वैल्यू तो बचा भी रह जाएगा, लेकिन आप एसेट को हटा रहे हैं क्या करें उस वैल्यू का बुक्स। अरे सर पीएल में डाल के राइट ऑफ करके खत्म कीजिए और क्या हो, ठीक है ना। आखिरी टॉपिक काम का, सर आप डी कमीशनिंग का बात किए थे बिगनिंग में, मेरे को जिस दिन हम एसेट लाया उसी दिन पता था कि इसको जिस दिन 5 साल 8 साल बाद रिमूव करेंगे, रिमूव या डिस्पोज करेंगे, उस दिन इसको डिस्पोज करने का एक बड़ा खर्चा लगेगा। हम उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, पीवी निकाला उसका, और उसको थोड़ा थोड़ा करके प्रोविजन करता रहा, ठीक है ना। तो मेरा अगर वो जो वैल्यू है अगर वो अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज इन एसेट माना जाएगा, और अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू घट रहा है तो वो डिक्रीज इन एसेट माना जाएगा, नॉर्मल ज्ञान का, ठीक है। जिस दिन एसेट को रिटायर करेंगे उस दिन किस वैल्यू पर रिटायर करेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लोअर बेटा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। इफ एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट, मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम है तो बाकी मेरा पीएल में जाएगा लॉस बोल के। रिटायरमेंट के दिन एसेट का वैल्यू कितना मानेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब अगर मेरा मार्केट प्राइस लोअर है, एनआरवी लोअर है, तो फिर जितना डिफरेंस है वो पीएल में राइट ऑफ हो जाए, ठीक है। आखिरी काम का बात, सर एसेट के मामले में क्या क्या बातें बैलेंस शीट में पूरी सेपरेटली डिस्क्लोजर होनी चाहिए। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा ये बताता है
कि क्या चीज़ डिस्क्लोज करना है, हमको अलग से डिटेल दिखाना है। तो मेरा मेजरमेंट मेथड क्या है डेप्री का, एसेट का सॉरी पहले मेजरमेंट मेथड क्या है, डेप्री का मेथड ऑफ रेट, मेथड एंड रेट क्या है, मेरा एस्टिमेटेड लाइफ कितना है एसेट का, इफ़ रेट इज डिफरेंट देन रिकमेंडेड देन रीजन ऑफ द सच एस्टिमेटेड। अगर आपको बोला ना शेड्यूल टू में रेट बताया हुआ डेप्री का कंपनीज एक्ट में, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हो, जो रिकमेंडेड रेट है वो आप नहीं लेके कोई और रेट ले रहे हो, तो भैया उसका रीज़न भी रिकॉर्ड कर लेना है बैलेंस शीट में नोट्स में कि क्यों ऐसा कर रहे हो, डिस्क्लोजर चाहिए इस बात का। इफ़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर तुम एक्यूमुलेटेड कंसेप्ट फॉलो करते हो तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अलग से शो होना चाहिए उसका। तुम्हारा एसेट में इस साल कितना एडिशन हुआ, अगर इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन हुआ तो कितना हुआ। अगर ये डॉलर पाउंड में एसेट है बेटा, कई बार होता है ना मेरा मशीन अमेरिका में है तो डॉलर 5 लाख का मशीन है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन एसेट का, लेकिन सर डॉलर पाउंड का रेट भी तो अप डाउन होता रहता है, तो अगर आपका वो चेंज हो रहा है मतलब एसेट का वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के कारण, तो उसको पीएल में डालोगे अलग से, तो उसका भी डिस्क्लोजर चाहिए कि इतना फिगर है कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर कोई एसेट को गिरवी रखते हो तो उसके नाम के आगे लीज होल्ड या मतलब गिरवी रखते हो ये बात लिखोगे, ठीक है। और अगर कोई अभी बन रहा है कोई एसेट और 31 मार्च के दिन है और अभी कोई एसेट बन रहा है तो उसका वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू शो करोगे अलग से, क्योंकि अभी उसका डिप्री तो ले नहीं सकते, अभी तो एसेट बन रहा है यूज नहीं हुआ है, लेकिन उसका कोई वैल्यू तो है तुम्हारे बुक्स में, खर्चा तो लग गया तो उसको तुम एसेट के रूप में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी तो कैसेट बन के रेडी नहीं हुआ है पूरा, तो सर उसका अलग से नोट्स में वर्क इन प्रोग्रेस बोल के डिस्क्लोजर होना चाहिए। इतना सारा बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोला, ये रहे। एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते हैं पहले AS 12, ठीक है, क्योंकि काम का है और छोटा सा भी है, 1.5 पेज का ही है। क्या है सर AS 12 बोलता है, अगर गवर्नमेंट से तुमको कोई ग्रांट मिल, क्या मिल रहा है गवर्नमेंट से, ग्रांट। ग्रांट क्या होता है, किसी चीज के लिए मतलब पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट पे कर रहा है, पैसा दे रहा है या और भी कुछ दे रहा है, इसका बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले बोला गवर्नमेंट कौन, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये भी चले, इनमें से कोई भी, सेंट्रल, स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज। ग्रांट का मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंस इन कैश या काइंड, क्यों, फॉर कंप्लायंस ऑफ सम कंडीशन इन पास्ट या फ्यूचर। तुम गवर्नमेंट का बताया हुआ कोई कंडीशन को फुलफिल किए हो या पास्ट में या फ्यूचर में करने वाले हो, इस बात के लिए गवर्नमेंट तुमको असिस्टेंस यानी हेल्प देना चाहता है कैश में या काइंड में, ठीक है जी सर। तो AS 12 बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट, इसको बुक में दो ही कंडीशन पे रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब रिकॉर्ड दो ही केस होगा तभी करोगे, ये दोनों बातें अगर हो रही है देन ओनली गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या है, पहला बोला रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन, जो कंडीशन गवर्नमेंट लगा रहे हैं ना, या तो पास में कर चुके हो तब तो बढ़िया ही बात है, या फ्यूचर में करने का बात हुआ है तो श्योर हो तो कि कर लोगे, गवर्नमेंट जो भी कंडीशन इम्पोज की है, इफ यू कैन रीजनेबली अगर एश्योरेंस है देनी वो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करना, हाँ, एंड नो अनसर्टेन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट। अच्छा सर हम कंडीशन फुलफिल करेंगे उसके बाद भी ग्रांट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, अगर ऐसा बात है तो रिकॉर्ड मत करना, मतलब उसके बाद भी कुछ होता है ना कई बार कि हाँ तुम ये कंडीशन पूरा किए तो गवर्नमेंट लकी ड्रॉ की तरह तुमको देगा या नहीं देगा वो देखेगा, तब मत रिकॉर्ड करना। मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं, ठीक है, और कंडीशन तुम फुलफिल कर पाओगे, अगर ये दोनों तुमको बात सही लग रहा है देन गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करना, नहीं तो अभी मत रिकॉर्ड करो, बात क्लियर। अब सर गवर्नमेंट 4 टाइप का चीज दे सकता है ग्रांट के रूप में, ABCD, और ये 4 केस का जनरल एंट्री पढ़ने। पहले बोला ग्रांट फॉर फिक्स एसेट, गवर्नमेंट तुमको पैसा दे रहा है एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। दूसरा बोला गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट तुमको तुम्हारा
पार्टनर की तरह या तुम्हारे बिजनेस में ओनर की तरह पैसा लगा रहे, प्रोमोटर के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहे, या फिर ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, गवर्नमेंट तुमको कुछ खर्चों को एडजस्ट करने के लिए पैसा दे रहे। तुम्हारा बिजनेस में कहिए कैसा एक्सपेंडिचर है जिसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है अलग से पैसा। तो पहला बोला एसेट खरीदने के लिए पैसा दे रहे, दूसरा बोला गवर्नमेंट ओनर की तरह पैसा लगा रहे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तीसरा बोल रहा है गवर्नमेंट तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे रहे, ठीक है, डे टू डे खर्चा के लिए। और चौथा बोला नॉन मॉनिटरी ग्रांट, मतलब पैसा नहीं दे रहे जी, कुछ एसेट ही दे रहे। देखो पहला और आखिरी मोटा मोटी एक जैसा लगता है, एसेट एसेट, लेकिन पहला में एसेट के लिए पैसा दे रहे और दूसरे में एसेट ही दे रहे। काइंड काइंड तो दे सकते हैं ना बेटा, यही तो हुआ चार असिस्टेंस और क्या। अच्छा, असिस्टेंस का मतलब मदद, असिस्टेंस का मतलब काम में मदद नहीं, पैसा से मदद या एसेट देने से मदद। आपको असिस्टेंस का मतलब वो लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको मैनेजमेंट में मदद कर देगा, प्लानिंग में हेल्प कर देगा, उसका बात नहीं हो रहा है, पैसा पैसा का बात हो रहा है, या कोई एसेट दिया या पैसा दिया। लास्ट वाले केस में गवर्नमेंट तुमको एसेट दिया काइंड में, मशीन दे दिया, और पहला तीन केस में गवर्नमेंट तुमको कैश दे रहा है, कैश। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला वाला ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स एसेट, मतलब टू बाई फिक्स एसेट। अब दो टाइप का फिक्स एसेट हो सकता है, डिप्रिसिएबल और नॉन डिप्रिसिएबल, है ना। गवर्नमेंट लैंड खरीदने के लिए पैसा दिया तो नॉन डिप्रिसिएबल होता है लैंड तो, लेकिन गवर्नमेंट तुमको मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया, ग्राउंड खरीदने के लिए पैसा दिया, ये सब डिप्रिसिएबल एसेट है। नॉन डिप्रिसिएबल एसेट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता ऐसे, लेकिन डिप्रिसिएबल एसेट में कैलकुलेशन है। तो सर नॉन डिप्रिसिएबल एसेट का क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशन एंड नॉन अनसर्टेनिटी इन रिसीप्ट ऑफ ग्रांट, अगर ये दोनों फुलफिल हो रहा है, डिप्रिसिएबल एसेट नॉन डिप्रिसिएबल एसेट है, इसको रिकॉर्ड कर लो, बात करो, ठीक है। लेकिन झमेला सर डिप्रिसिएबल एसेट में, क्योंकि सर उसका डिप्रिसिएशन भी होगा। इसमें दो मेथड है, नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। रिकमेंडेड है नेट मेथड, लॉजिकली भी यही है, फॉलो भी यही होता है मैक्सिमम। क्या है ये नेट मेथड, तो एक एग्जांपल से समझो। मान लो तुमको एक फिक्स एसेट है 10 लाख रुपए का, जिसका सेल्वेज वैल्यू 1 लाख है, गवर्नमेंट बोला ये एसेट तुम खरीद लो पैसा दे देंगे, लेकिन ग्रांट 2 साल के बाद मिलेगा, मतलब पहले तुम खरीदो 2 साल चलाओ तब ग्रांट देंगे, ठीक है। और तुम कुछ कंडीशन तोड़े तो फिर ये दिया हुआ पैसा वापस भी ले लेंगे। तो इस एग्जांपल में बोल रहा है गवर्नमेंट तुमको 2 साल बाद 3 लाख का ग्रांट दिया, हाँ, और तुमको 3 साल आफ्टर और उसके 3 साल बाद वो ग्रांट का पैसा तुमसे वापस ले लिया, मतलब तुम कंडीशन को ब्रेक कर दिए होगे कुछ। तो सम्स यही है कि गवर्नमेंट तुमको 10 लाख का फिक्स एसेट, जिसका 1 लाख का सेल्वेज वैल्यू है, बोला ले लो, जिसका लाइफ 10 साल है, चलाओ 2 साल, 2 साल बाद पैसा मिला 3 लाख रुपया, और उसके 3 साल बाद, मतलब खरीदने से 5 साल के बाद जी, कुछ कंडीशन तुम ब्रेक किए और गवर्नमेंट तुमसे पैसा वापस ले लिया, ठीक बात। तो सर इन सब का कैसे कहानी बनेगा, तो पहले वर्किंग समझो फिर जनरल एंट्री समझो। देखो पहले मेरा ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, लेस सेल्वेज वैल्यू 1 लाख, तो 9 लाख मेरा डिप्रिशिएबल अमाउंट। हमको पहला साल जब हमको पता लाइफ ऑफ द एसेट 10 ईयर्स है, हमको 2 साल तक तो ग्रांट नहीं मिला ना, तो 2 साल तक तो पूरा 9 लाख पे डिप्री होगा, है ना। तो देखो 9 लाख जो है भाई 10 साल इंटू 2 साल करके 1,80,000 का डिप्री माइनस कर लिए, 2 साल खत्म हुआ है, जिसमें मेरे एसेट में बुक का वैल्यू कितना है 7,20,000। उस दिन हमको गवर्नमेंट से 3 लाख का छूट मिल गया, तो ये 3 लाख एसेट से माइनस कर लो, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो लगा नहीं ना, पैसा तो आ गया 3 लाख रुपया। तो बेटा जी अगर पैसा आ गया है 3 लाख रुपया, तब तुम्हारे एसेट का वैल्यू उतना से रिड्यूस कर लो, क्योंकि तुम्हारा पैसा नहीं लगा, तो इस पर आप डिप्री भी क्लेम नहीं करने देगा गवर्नमेंट,
ठीक है। तो आज के दिन तुम्हारा वैल्यू कितना है, 2 साल के बाद 4,20,000 है जब ग्रांट मिलने के बाद। अब अगला 3 साल तुम ऐसे को यूज किया, फिर गवर्नमेंट तुमसे ग्रांट वापस ले लिया था, तो अगले 3 साल तक डेप्री कैसे होगा? एसेट का वैल्यू 4,20,000 है एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाई अभी लाइफ और कितना बचा, 8 साल इंटू 3 कर लो, 3 साल और डेप्री, तो 1,57,500 का डेप्री तुम क्लेम कर सकते हो और 3 साल है ना, और 3 साल इतना डेप्री क्लेम करोगे। तो सर अब 3 साल, अब 5 साल जब खत्म हुआ मतलब ग्रांट के बाद और 3 साल बीता, तो आज के दिन मेरा बुक वैल्यू 262,500। अब गवर्नमेंट हमको बोला भैया तुम रूल तोड़ दिए, कुछ कंडीशन रहा होगा जो तुम ब्रेक कर दी, बोला वापस दे दो 3 लाख तुमसे, गवर्नमेंट 3 लाख वापस ले लिया, तो फिर से तुम्हारे एसेट का वैल्यू क्या गया, 562,500 है ना। हाँ सर। तो अब दोबारा तुम 5 साल और डिप्री क्लेम करोगे क्योंकि 5 साल बीत चुका है एसेट का लाइफ, तो 562,500 5 साल कर लो, मतलब एवरी ईयर अब आगे बचा हुआ साल में 112,500 एवरी ईयर डिप्री क्लेम हो। बात समझ में आया? हाँ। अब इसका जनरल एंट्री का बात करें, पहला साल क्या होगा सर, एसेट खरीदे हैं सर तो बस फिक्स एसेट टू बैंक कीजिए 10 लाख और फिर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट कीजिए 90,000 हर साल करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल में। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल में 90-90 का डेप्री क्लेम होगा। थर्ड ईयर में क्या होगा सर, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला। अच्छा एक बात और, हम ये बात यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट बेटा एक कॉमन एंट्री है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक और एंट्री भी होगा, ये डेप्री कहाँ ट्रांसफर होगा, पीएल में ना जी सर, तो पीएल टू डेप्री भी एवरी ईयर पास होगा है ना। हाँ सर। ये बात भी ध्यान में रखने लायक था। सर ये 3 में क्या होगा, गवर्नमेंट से 3 लाख मिला तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख मिला पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब अगले 3 से लेके 5 साल तक डेप्री कितना होगा सर, 52,500 क्योंकि देखो हमारा 157,500 डेप्री आ रहा है 3 साल का, तो डिवाइडेड बाई 3 करो पर ईयर कितना आएगा 52,500, तो उतना डेप्री खाते रहो हर साल 3 साल तक और उसको पीएल में भेजते रहो, तो डेप्री टू फिक्स एसेट, डेप्री टू फिक्स एसेट, डेप्री टू फिक्स एसेट और फिर पीएल टू डेप्री, पीएल टू डेप्री, पीएल टू डेप्री, ठीक है ना। सर 6th ईयर में क्या हुआ सर, गवर्नमेंट ना ग्रांट वापस ले लिया, ठीक बात। तो सर क्या एंट्री होगा, वापस से एसेट का वैल्यू बढ़ा लेंगे ना, तो फिक्स एसेट टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर होगा तो 2 बार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गवर्नमेंट ग्रांट मिलने वाला एंट्री है जी, ये मिलने वाला है, तो फिक्स एसेट का वैल्यू उस समय बढ़ाया क्यों, उस समय बैंक से बढ़ाए थे मतलब, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट किए थे ठीक है, वो नहीं बोल रहे तो उस तो उसके पहले तो इसका मतलब बढ़ाएंगे ना, ये वाला एंट्री पहले पास होगा, ये पहले पास होगा, यहाँ पे गलती हुआ है, ये एंट्री सर 3rd ईयर में पास होगा कि गवर्नमेंट ग्रांट टू फिक्स एसेट, 3 लाख से मेरा फिक्स एसेट का वैल्यू कम भी तो कर रहे हैं हम, फिर डेप्री कर रहे हैं जी। और फिर 6th टू 10th ईयर में क्या होगा सर, एक तो आपको पैसा वापस करना तो गवर्नमेंट ग्रांट टू बैंक और डिप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट जो आपका डिप्री हो रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये आपका जनरल एंट्री का किस्सा हो। दूसरा मेथड क्या है सर, ग्रॉस मेथड, इसको एक तरीके से बोल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट को ना स्लोली स्लोली अपने बुक्स में डेफर करो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके टालो। तो देखो बेटा जी, जिस दिन गवर्नमेंट ग्रांट मिला उस दिन क्या करोगे, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। इस गवर्नमेंट ग्रांट को कहां ट्रांसफर कर दोगे सर, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के एक अकाउंट खोलेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के ट्रांसफर कर देंगे और हर साल थोड़ा थोड़ा करके डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएल करके पीएल में डालते हैं, जितना लाइफ ऑफ द एसेट बचा हुआ है। दूसरा साल के एंड में मिला ना,
दूसरा साल के एंड में गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो भाई भी 8 साल बचा हुआ था, वो 8 साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल डेफर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल करते रहेंगे। अगर ज्यादा 3 लाख मिला आपको तब आप एंट्री पास कीजिए बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट 3 लाख, फिर ये कर दीजिए गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, तुरंत एंट्री पास कर दीजिए 3 लाख का। और अब हर साल 8 साल बचा हुआ है लाइफ, तो 8 साल तक गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल डेफर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल डेफर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएल करके 3 लाख को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करते रहे प्रोपोर्शनली, ठीक है। मतलब एसेट अकाउंट पे इसका कोई इम्पैक्ट ही मत कीजिए, तो ना आपका डेप्री बदलेगा ना कुछ और बदलेगा, वैल्यू तो घट रहा है। अच्छा, वो सब कुछ मत कीजिए, वो आप बस अपना डेप्री करते रहिए, ठीक है। देखो जैसे कैसे इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में, क्या होगा सर बैलेंस शीट में, एक तो मेरा फिक्स एसेट है मान लीजिए 5 लाख का, तो हर साल 50,000 करके जो भी डेप्री का तरीका वो करते रहेंगे, तो वो 50,000 मेरा पीएल में जाता रहेगा डेप्री। इधर हम क्या किया, देखो लाइबिलिटी साइड में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, और उसमें से भी हर साल थोड़ा थोड़ा घटा के पीएल में एज ए इनकम भेजता रहा, समझे। तो इससे हुआ क्या, जिस दिन गवर्नमेंट मेरा ग्रांट कैंसिल भी करेगा ना, तो मेरे एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। हम गवर्नमेंट ग्रांट से जो ग्रांट मिला वो हम अलग से एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लिया, और उसका हर साल थोड़ा थोड़ा पीएल में क्रेडिट में इनकम की तरह भेजता रहा, और मेरा जो एसेट है वो मेरा नॉर्मली जैसे काम करता है वैसे किया, एसेट में से डिप्री हर साल माइनस करते रहेंगे। तो अब अगर ग्रांट मिले या कैंसिल हो मेरे एसेट अकाउंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना। देखो जैसे यहां पे बोल दिया, अब अगर ये रिफंड करना पड़ा, नाउ व्हेन इट नीडेड टू बी रिफंडेड, मेरा अभी मान लो फर्स्ट ईयर के बाद ही हमको वापस करना पड़ गया, तो मेरे को ग्रांट मिला था 2 लाख, फर्स्ट ईयर के लिए हम कितना पीएल में भेज दिया था 20,000, अभी भी बैलेंस कितना है 1,80,000। तो जिस साल गवर्नमेंट ग्रांट कैंसिल करेगा जिस दिन, उस दिन मेरे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जो बैलेंस होगा वो पहले तो कैंसिल करो, ठीक है। जितना प्रॉफिट मान लिए थे उसको भी कैंसिल कर लो और रिफंड कर दो पैसा। अगर गवर्नमेंट ग्रांट वापस करना पड़ गया तो सर सिंपल कहानी क्या हुआ, डेफर्ड गवर्नमेंट क्रिएट किया उसको डेबिट कर देंगे, मतलब उसको पोस्ट कर देंगे, और पीएल में जितना भी डाले हैं जितना साल का होगा तो उसको भी कैंसिल आउट करेंगे डेबिट करके। अब तक जितना क्रेडिट इनकम बुक की थी, मान लो 3 साल तक 20,000 करके 60,000 का इनकम बुक कर लिए थे, मान लो हमको 2 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला, 3 साल हम यूज कर लिया था, तो हर साल 20,000 करके पीएल में भेज रहा था 3 साल का 60,000, तो अब मेरे पास वैल्यू बच रहा है 1,40,000, तो हम एंट्री करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 1,40,000, पूरा जो बुक में वैल्यू है पूरा कैंसिल ग्रांट जी, गवर्नमेंट को पूरा 2 लाख वापस किए और पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,50,000, तो जितना प्रॉफिट कमाए थे सब कैंसिल हो जाए, बस खत्म बात, क्लियर है यहाँ तक। तो सर जी अगर डिप्रिसिएबल एसेट हुआ तो बड़ा सिंपल कहानी, दो तरीका है, आइदर नेट मेथड आइदर ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में उसको एसेट से एडजस्ट कर रहे हैं और ग्रॉस मेथड में उसको अलग से लेकर चल रहे हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के लायबिलिटी की तरह, और थोड़ा थोड़ा करके ऐसा पीएल में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसको एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। सर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का क्या होगा, डेप्रिसिएबल एसेट तो पूरा पढ़ लिया हम लोग, सर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का एकदम सिंपल काम, एकदम जो ऊपर पड़े हो ना अभी ये डेफर्ड वाला तरीका ग्रॉस मेथड, बस वही फॉलो कर लो, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट में वही कर लो। देखो भैया गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल दो, बस क्या कर लो, हाँ कैपिटल, वहां पे डेफर्ड था कैपिटल रिजर्व। अब सर ये तो नॉन डेप्रिसिएबल है तो हर साल थोड़ा थोड़ा पीएल में कोई भेजने का दरकार नहीं है, बस कैपिटल रिजर्व में पड़ा रहेगा जब तक एसेट जिंदा रहेगा, कैपिटल रिजर्व में पड़ा रहेगा, और अगर इस बीच में रिफंड करना पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट तो कैंसिल हो गया ना,
तो यही रहा। जब ग्रांट मिला कैसे बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट करो, लैंड के लिए मिला नॉन डिप्रिशिएबल एसेट लैंड। ऊपर बेटा जी जब एज 10 पढ़े थे तो एक पढ़े थे ना वो बायोलॉजिकल एसेट, वो भी तो नॉन डिप्रिशिएबल होगा क्योंकि वो तो टेंजिबल एसेट माने ही नहीं जा रहा, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, तो फिर वो भी नॉन डिप्रिशिएबल है। गाय बकरी भैंस बैल घोड़ा आदमी ऊंट ये सब तो डिप्री नहीं होता, लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक, तो उसके लिए भी यही होगा। अगर उसको खरीदने के लिए पैसा मिले, लैंड खरीदने के लिए पैसा मिला, तो जब मिले तब कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट, हाथों हाथ उस गवर्नमेंट ग्रांट को कांट आने में कह दो कैपिटल दो, चला गया ना लाइबिलिटी में, पढ़ा रहे तो वहाँ पे अगर पूरा एसेट खत्म हो जाए तब तक रहे, बढ़िया बात। पूरा एसेट खत्म होने के बाद उसको जनरल रिजर्व या पीएल मैच कर देना, खत्म करना कैपिटल रिजर्व को, और अगर उस बीच में पैसा वापस करना पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, खत्म बात। कि पहला केस खत्म, जब अब गवर्नमेंट हमको एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया है ना, चार केस है ना, गवर्नमेंट ग्रांट मिला था फिक्स एसेट के लिए, अब बोल रहा है गवर्नमेंट मेरे को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की तरह पैसा दे रहे, माने गवर्नमेंट मेरा बिजनेस में भागीदार बन रहा है, पार्टनर की तरह, पार्ट एज ओनर है ना। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट गिव्स मनी फॉर बिजनेस सेटअप, ओनर की तरह हो गया ना सर, कुछ है नहीं। अभी जो ऊपर पड़े हो ना नॉन डिप्रिसिएबल एसेट के लिए सेम डिट्टो, तो बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, जब पैसा मिले गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, और बाद में जब अगर रिफंड करना पड़ जाए इफ कैपिटल रिजर्व टू बैंक, ठीक है कोई चेंज नहीं। सर अगर गवर्नमेंट हमको डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे, इसमें थोड़ा सा खोचागिरी है, इसके बाद वाला में कुछ नहीं है, बोला ना नॉन मॉनिटरी अगर पैसा दे, नॉन मॉनिटरी अगर है ग्रांट मिले उसमें कुछ भी नहीं है, वो एकदम बच्चा वाला बात है और दो मिनट में खत्म हो जाएगा ये। लेकिन ये वाला में थोड़ा सा काम का बात है, रेवेन्यू रिलेटेड ग्रांट माने टू मैनेज द रिकरिंग एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट मेरे को क्या के लिए फंड दे रहे, मेरा डे टू डे खर्चा को मैनेज करने के। यहाँ भी दो मेथड है, फंड बेस्ड और अदर, इसका कोई नाम नहीं है, फंड बेस्ड या अदर। फंड बेस्ड में क्या होगा सर, जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट जी, हम उस गवर्नमेंट ग्रांट को तुरंत एक एक्सपेंडिचर फंड बना के उस फंड में डाल देंगे, इसलिए नाम ही है फंड बेस्ड, ठीक है। एक बार वापस बोलेंगे, कट रहा। गवर्नमेंट मेरे को 3 लाख का ग्रांट दिया मान लो डे टू डे खर्चा मैनेज करने के लिए जी, तो हम 3 लाख लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब हम इस पैसे का क्या करने वाला है बेटा, कहीं खर्चा मैनेज करेगा ना डे टू डे, सैलरी देना, रेंट देना, एडवर्टीजमेंट के लिए, भाड़ा के लिए, जो भी हो सकता है वो डे टू डे खर्चा, रिकरिंग नेचर, वेजेस देना। तो सर आप तुरंत एक काम करो, ये जो आपको फंड मिला ना गवर्नमेंट ग्रांट, इसको तुरंत एक एक्सपेंडिचर फंड बोल के लाइबिलिटी में भरा दो, उसी में डाल दो, क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्चा करोगे इसको खाली, इससे आप एसेट नहीं खरीद सकते। तो यानी ये स्पेसिफिकली मिला एक काम के लिए, जब भी पढ़े हैं बेटा है, जब भी कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड मिले वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाता है, तो आप तुरंत एक एक्सपेंडिचर फंड नाम का क्रिएट कर दो, तो गवर्नमेंट ग्रांट टू एक्सपेंडिचर फंड कर दो 3 लाख, ठीक है। अब क्या होगा, जब जब एक्सपेंस पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस टू कैश, ये एक्सपेंस को जनरली पीएल में डाल देते हो ना हर साल, नॉर्मली अगर होता खर्चा तो क्या कहते हैं एक्सपेंस टू कैश और बाद में पीएल टू एक्सपेंस, बट यहाँ पीएल में मत डालो क्योंकि तुम ऑलरेडी इसका स्पेसिफिक फंड बना चुके हो, वहां से एडजस्ट कर, मतलब धीरे धीरे ये फंड घटाते रहो, एक्सपेंस फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस कर दो। तो यहाँ लिखा रेदर देन ट्रांसफरिंग इट टू पीएल, तुम इसको उस फंड से एडजस्ट करते रहो, मतलब तुम्हारा जो 3 लाख का फंड बना हुआ था मान लो इस साल 20,000 खर्चा हुआ तो वहां से कट जाएगा, तो तुम्हारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ और उस एक्सपेंस को ले जाके एक्सपेंस फंड से एडजस्ट कर, ठीक है। ये हुआ फंड बेस, मेनली तो यही फॉलो करती, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ, अदर मेथड में क्या कर सकते थे सर, जो ऊपर आप डेफर्ड वाला पढ़ाए थे सेम डिट्टो, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट जो फंड मिला उसके बाद तुरंत उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाल दो, मतलब अलग से फंड नहीं क्रिएट करके लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में या तो देखो एक्सपेंस फंड लिख देते
या बैलेंस शीट के लेफ्ट में डेफर्ड ग्रांट लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट। अब जब पेमेंट करो तो एक्सपेंस टू कैश, इस किस बार एक्सपेंस को पीएल में डालो और थोड़ा थोड़ा करके डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को भी पीएल के क्रेडिट में भेजते रहो, मतलब खर्चे को पीएल में डालो डेबिट साइड में और ये जो तुम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के बनाए थे बैलेंस शीट में से उसमें तो थोड़ा माइनस करके उसको पीएल के क्रेडिट में लिख दो इनकम की तरह। कितना माइनस करेंगे? जितना एक्सपेंस हुआ, जितना एक्सपेंस हुआ। अच्छा अच्छा, डेबिट में जितना एक्सपेंस दिख रहा उतना इधर बेटा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये वो पीएल में टू एक्सपेंस बोल के खर्चा चला जाएगा उतना ही अमाउंट बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट और बैलेंस शीट में जो तुम डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बना रखे थे उसमें से कटता रहे। आखिरी हेडिंग, अगर सर हमको गवर्नमेंट नॉन मॉनिटरी एसेट देता, मतलब गवर्नमेंट ही हमको लैंड दे देता या गवर्नमेंट ही हमको मशीन दे देता, गवर्नमेंट गिव्स एसेट एट लेस वैल्यू और फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे सर गवर्नमेंट हमको दो तरीके से दे सकता है, एसेट का दाम 5 लाख है, गवर्नमेंट हमको बोला 3 लाख दो और एसेट ले जाओ, मतलब 3 लाख तुम दे दो, 5 लाख का एसेट तुमको दे रहे हैं, तुम 3 लाख कैश दे दो, 2 लाख मत दो, या फिर बोला पूरा 0 वैल्यू में ले लो, मतलब पूरा फ्री में ही ले लो, दो केस हो सकता है। हाँ। तो सिंपल बात है, अगर सर पहला वाला केस है, सर आपसे गवर्नमेंट जितना पैसा लिया बोल रहा है फिक्स एसेट है 10 लाख का, गवर्नमेंट आपको बोला 4 लाख दो और एसेट ले लो, ठीक बात, 6 लाख मत देना, हो सकता है किसान को जमीन दिया गवर्नमेंट 10 लाख का, बोला 4 लाख में 10 लाख का जमीन ले लो बाकी पैसा मत देना, सर कुछ नहीं फिक्स एसेट टू बैंक कीजिए बात खत्म, सर कितना अमाउंट 4 लाख जितना तुम गवर्नमेंट को दियो, सर बाकी 6 लाख हवा आने तो भूल जाओ, शो ही नहीं करना है कहीं जगह तुमने, अच्छा शो ही नहीं करना है तुमको, सरकार बोला ना तुम ये मान लो 4 लाख में मशीन खरीदे 4 लाख में लैंड खरीदे बात खत्म, कितना उसका दाम था में होगा तब आ रहे हम अभी खाली केस ये पढ़ाया बेटा, हम केस ये बोल रहे हैं गिवन एट लेस वैल्यू, तब क्या करेंगे सर, जितना में हमको सरकार दिया हमसे जितना पैसा लिया हम बस उतना का ही एसेट को रिकॉर्ड कर लेंगे, सर इसका ओरिजिनल दाम कितना था भाड़ में जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट मेरे को कितना छूट दिया भाड़ में जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेकिन सर अगर गवर्नमेंट हमको फ्री में दिया तो बेटा जी एक प्रॉब्लम है, अगर 0 वैल्यू बोल के कोई एसेट रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं। और एसेट मिला है तो सर उसका एसेट के रूप में रिकॉर्ड तो होना चाहिए, वरना मेरे बिजनेस में एक लैंड दिख रहा है यूज हो रहा है बट बैलेंस शीट में है ही नहीं, ये हो सकता है क्या? बैलेंस शीट मेरे फैक्ट्री में एक मशीन यूज हो रहा है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं आ रहा है, सर क्या मजाक करते हैं ऐसे कैसे हो, ठीक बात। तो बेटा जी वहां पे सॉल्यूशन यही है कि उसको नॉमिनल वैल्यू में यानी 1 रुपया में रिकॉर्ड कर, इस बार ने तुम्हारे बुक्स में एसेट आ गया उसका वैल्यू भी नहीं है, 0 लगा तेरे जेब से, तो सर 1 रुपया लिख लीजिए ना, सर डिप्री मत कीजिए, 1 रुपया का क्या डिप्री करो, अब अगर तुम्हारा डिप्री 50% भी है ना बेटा तो भी 50 पैसा कहाँ निकलोगे, तो सर इसको 1 रुपया, अच्छा पूरा डिप्री भी नहीं कर पाओगे बेटा, सर 1 रुपया पूरा पीएल में डाल दे, अरे फिर तो एसेट खत्म हो गया, लेकिन एसेट तो जिंदा है, तो भैया जी इसका डिप्री फिप्री छोड़िए, बस फिक्स एसेट के रूप में 1 रुपया मिल लीजिए, हाँ आप कहीं पे इसका नोट दे के रख लीजिए अपने डिस्क्लोजर में कि ये गवर्नमेंट से फ्री में मिला था, ठीक है। अरे 1 रुपया इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि 0 लिखने से वैल्यू नहीं बनता बैलेंस शीट में कोई, और कोई रीजन नहीं है इसको 1 रुपये लिखने, सर हम अगर 1 की जगह 10 रुपये लिखे अरे आपका प्रॉब्लम, नॉमिनल वैल्यू बोला है 1 रुपया खाली एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना, बाकी आपका इच्छा है आप 10 रुपये लिखो ना नॉमिनल वैल्यू, आपको लगता है 1 रुपये लिखने में गवर्नमेंट का मजाक उड़ाना हो जाए, ठीक है 10 रुपये लिख लो, अच्छा इसका भी बोले तो हर अकाउंटिंग रूल का कुछ डिस्क्लोजर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यहाँ बोला तुम कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो वो बता दो,
ऊपर चार मेथड पढ़े ना बहुत सारा जगह, कहीं पे एसेट बेस मेथड, कहीं पे बोल रहा है फंड बेस, तो तुम कौन सा फॉलो कर रहे हो डिस्क्लोजर में हमेशा लिख के रखो। और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कितना तुमको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है और किस नेचर का मिला है वो चारों में से, ये भी रिकॉर्ड करके रखो। तो तुम अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा फॉलो कर रहे हो और किस नेचर एंड कितने अमाउंट का एक्सटेंट का गवर्नमेंट ग्रांट मिला है वो भी लिख के रखो। सब नोट्स में रहते हैं। हाँ, जब नोट्स ना तो अगर हम लिखेंगे ना मेरा ये फर्नीचर है और तो ब्रैकेट में कहीं भी लिखेंगे ये गवर्नमेंट ग्रांट से मिला हो, या इतना रुपया इसमें गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, ताकि कोई भी तुम्हारा बैलेंस शीट पढ़े उसको पता चल जाए ये एसेट कंपनी अपने पैसे से नहीं खरीदा है, या इसमें पूरा पैसा कंपनी की जेब से नहीं है, या पूरा पैसा कंपनी की जेब से गया था लेकिन गवर्नमेंट से उसको कुछ वापस भी मिली। AS-16 बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट, मेनली तो इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा भी इसमें अदर आइटम भी आते हैं। तो पहले तो वही बताया बोरोइंग कॉस्ट क्या है, कोई भी इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, या कोई भी कमिटमेंट चार्ज, जैसे हम कोई कमिटमेंट किए कि इतना रुपया हम पे करेंगे इसके बदले में, ठीक है, इसके अलावा बोला कोई भी अमोर्टाइजेशन या डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट में अगर हमको कोई डिस्काउंट मिले तो, एंसिलरी कॉस्ट कोई छोटा मोटा अंडर राइटिंग का खर्चा लगा, कमीशन या स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा लगा तो, फाइनेंस चार्ज अगर हम लीज पे एसेट ले रहे हैं उसका फाइनेंस चार्ज लगा है तो, और अगर हम डॉलर पाउंड में खरीदे हैं तो उसका फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, ये सब को बोरोइंग कॉस्ट माना, ठीक है सर। किसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है, ये जो आप इतना सारा आइटम गिना है किसके लिए, ऑन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म टू बी सिचुएटेड, माने ऐसा कोई एसेट के लिए ये बोरिंग किया गया था जिसके लिए ये सब खर्चा चुकाया जा रहा है, जो एक सब्सटेंशियल पीरियड लेगा बनने में या एस्टेब्लिश होने में, ठीक है, एंड या फिर रेडी टू इंटेंडेड यूज और सेल, हम अपने यूज करने के लिए वो एसेट बना रहा है या बेचने के, दोनों में से कुछ भी करने के लिए वो एसेट हम बना रहे हैं लेकिन उसको बनने में एक सब्सटेंशियल लॉन्ग पीरियड लगेगा, ठीक है, तुरंत बन जा रहा है तो नहीं, तो उसके ऊपर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। अब तुरंत कोई एसेट खरीद के लाए और उसके लिए लोन फोन का ब्याज चुका रहे हो, उसको नहीं कैपिटलाइज करना है, उसको पीएल में डालो, बात खत्म, इंटरेस्ट खर्चा है तो पीएल में डालना चाहिए ना, बट ये चैप्टर बोल रहा है कब कब पीएल में नहीं जाके एसेट में ऐड हो जाएगा। याद है जब एस्टन पढ़ा रहा था एक जगह बोला था ऐसे, जब हम क्या क्या एसेट के वैल्यू में ऐड करेंगे बोला था, ये देखो एस्टन में यहाँ पे, तब हम क्या बोला था कि सर अगर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा लग रहा है तो उसको जनरली पीएल में डालते हैं, है ना, लेकिन अगर वो AS-16 अगर बोलता है कि उतना इंटरेस्ट आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, तब फिर उससे भी डिप्री होगा, वो एसेट का पार्ट माना जाएगा। तो यहां पर यही बोला ये सब खर्चा, इंटरेस्ट, कमिटमेंट चार्ज, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, एंसिलरी कॉस्ट, लीज फाइनेंस कॉस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस, ये सब खर्चा अगर कोई ऐसे एसेट के लिए खर्चा हो रहा है जो सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड लेगा बनने में, और लॉन्ग मतलब कितना, मोर देन ईयर, ठीक है, एंड रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है या फिर सेल के लिए, मतलब बना के भेज दोगे या आप यूज करोगे, तो वो एसेट कहलाएगा क्वालिफाइंग एसेट, और अगर वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा तभी उसका बोरोइंग कॉस्ट यानी ये सब खर्चा को कैपिटलाइज करेंगे, हाँ, यानी अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं बन पा रहा, मतलब सब्सटेंशियली लॉन्ग पीरियड नहीं ले रहे तो फिर उसको उसका जो भी ये सब खर्चा है सब पीएल में चला जाएगा, और अगर वो क्वालिफाइंग एसेट कहला रहा है तभी उसका ये सब खर्चा को कैपिटलाइज करेंगे, मतलब एडिशन इन एसेट करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या स्टॉक
क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा? नहीं। तो देखो यहाँ पे बहुत काम का बात बोला, अगर कोई इन्वेंट्री है जो रूटीन स्टॉक नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल डे टू डे स्टॉक नहीं है एंड सब्सटेंशियल पीरियड ले रहा है बनने में, जैसे बहुत रॉल्स रॉयल्स कार बहुत बनने में टाइम, तो ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी बनाता है पूरा गाड़ी बैठ के जी। तो सर वो रूटीन स्टॉक नहीं है, नॉर्मल स्टॉक नहीं है, गाड़ी स्टॉक ही है रॉल्स रॉयल्स कंपनी के लिए, तो उसका काम ही है गाड़ी बेचना बनाना, तो उसके लिए तो स्टॉक क्या लाएगा, फिनिश गुड्स। लेकिन बोला गया वो एक रूटीन एसेट की तरह नहीं है, उसको बनने में टाइम लगता है और ऑर्डर मिलने के बाद बनाता है कंपनी। लेकिन एक साल थोड़ी लगेगा, लग सकता है, हम यहाँ पे एक साल एग्जांपल में बोला था बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं। अच्छा एक साल रूल नहीं, सब्सटेंशियल पीरियड बोला है, अब वो सब्सटेंशियल पीरियड डिपेंड करता है। तो सर जी उस केस में वो स्टॉक तो भी जो खर्चा लगेगा इस टाइप का, ये बोरिंग बोरिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये सब उसमें कैपिटलाइज कर देंगे, गाड़ी में ऐड कर देंगे, ठीक है सर। अब इसका आ जाइए कैलकुलेशन पार्ट पर, चैप्टर खत्म। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, सर एक बात ध्यान रखिएगा, एसेट बन गया ना जिस दिन, उसके बाद का ये सब कोई खर्चा कैपिटलाइज नहीं होगा, सब पीएल में जाएगा, सब बनने के पहले का ही बात हो रहा है, खाली बनना स्टार्ट होने से लेके बनने तक का जो भी खर्चा आपका लग रहा है सिर्फ उसी को कैपिटलाइज करने का बात हो रहा है ये सब खर्चा। तो एक बात, वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, मतलब सब्सटेंशियल लॉन्ग पीरियड ले। दूसरा बात सर, ये सब खर्चों का नाम होना चाहिए। और तीसरा काम का बात सर, बनने से पहले तक का जो खर्चा लगा था सिर्फ उसी का बात हो। तो किस दिन से ये खर्चा को कैपिटलाइज करना स्टार्ट करें और किस दिन रोक दें? सर तीन कंडीशन फुलफिल हो तो आप खर्चों को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर वन, वो क्वालिफाइंग एसेट है। नंबर टू, ये खर्चा एक्चुअली इनकर्ड हुआ है, मतलब ये खर्चा आप पे नहीं कर रहे हो तो आपको छूट नहीं मिलेगा, मतलब इनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और तीसरा बात, एक्टिविटी इन प्रोग्रेस होना चाहिए, मतलब एसेट अभी बन रहा है, एसेट या वो स्टॉक अभी बन रहा है, हाँ। और कब रुक जाएगा सर? जिस दिन वो बन के रेडी हो गया, यही तो आप अभी समझाए। उसके बाद जो खर्चा लग रहा है, अगर ब्याज चुका भी रहे हो, ये सब खर्चा लग भी रहा है, तो भी पीएल में ही जाएगा, है ना? हाँ सर। बीच में एक पॉइंट है जो आप पढ़ाए नहीं, आप सीधा कमेंसमेंट और स्टॉप पे चले गए। कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि वो जो खर्चा है वो एसेट बन रहा था, बनते बनते बीच में ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, उस पीरियड के लिए वो खर्चा पीएल में जाएगा, फिर दोबारा कैपिटलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सस्पेंड कर देंगे, कब कब कैपिटलाइज करना रोक देंगे बीच में अचानक कुछ पीरियड के लिए। यहाँ बोला नहीं एबनॉर्मल खर्चा नहीं बेटा, इफ एक्टिविटीज हेल्ड अप फॉर अवॉइडेबल रीजन, ऐसा कोई रीजन से वो काम रुका जो तुम चाहते तो अवॉइड हो सकता था वो रीजन, मतलब ये काम नहीं रुकता बट तुम्हारी गलती से रुका। मेरा लेबर स्ट्राइक गया क्योंकि हम लेबर के साथ झमेला कर दिए, तो अगले 6 महीने तक काम ही नहीं हुआ, तो फिर सर ये अवॉइडेबल रीजन था। तो ये 6 महीने का ब्याज कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटलाइज मत कीजिए, पीएल में डालिए, लॉजिक? हाँ सर। तो चालू होने का लॉजिक भी क्लियर, खत्म होने का लॉजिक भी क्लियर, और बीच में रोकने का सस्पेंड होने का लॉजिक भी क्लियर। जब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कैसे शो करेंगे, तो बोला देखो हाउ मच कैपिटलाइज, कितना कैपिटलाइज करें सर? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इफ मान लो एसेट 8 लाख का है, ठीक है, और हम लोन लिए हैं 10 लाख और इंटरेस्ट रेट है 10%, तो कितना कैपिटलाइज होगा, 10 लाख का 10% की 8 लाख का 10%? बोलो, 10 लाख लोन लिए 10 लाख और वो एसेट बनने में लगा 8 लाख, हाँ सर, ये 2 लाख तो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा कर दिए होंगे, रिकरिंग नेचर में खर्चा कर दिए होंगे, डे टू डे खर्चा में लगा दिए होंगे, लोन तो आप फिर 2 करोड़ ले लो, लेकिन एसेट का दाम और लोन अमाउंट विचेवर इज लोअर का ही छूट मिलेगा। अब उल्टा ले लो, लोन 10 लाख का, एसेट 12 लाख लगा बनने में, अरे सर आप 10 लाख पे 10% चुकाए होंगे ना,
बाकी 2 लाख अरे सर वो आपके पास होगा खुद का, आप खुद का यूज कर रहे हो। हाँ। तो यानी एक ही लाइन में क्लियर होता है सर, लोन अमाउंट और एसेट वैल्यू फॉर विच लोन हैज बीन टेकन व्हिचएवर इज लोअर, उसी का ब्याज केवल कैपिटलाइज होगा, बाकी पीएल में जाएगा। ठीक है। हाँ सर। सर एक और छोटा सा टॉपिक है, खत्म भी है बस, और 2 मिनट का क्लास है। इफ एक्टिविटी कंप्लीटेड इन पार्ट, ये काम हम तोड़ तोड़ के किए हैं, तो इफ पार्ट इज सेपरेबल तो फिर स्टॉप कैपिटलाइजिंग, जितना पार्ट कंप्लीट उतना का आप कैपिटलाइज कर लिए। ठीक है। लेकिन अगर पार्ट सेपरेबल नहीं है तो फिर कंटिन्यू कैपिटलाइजिंग। जैसे एक एग्जांपल देता है, हम 10 बिल्डिंग का अपार्टमेंट बना रहे, मेरा एक बिल्डिंग पूरा कंप्लीट, अब लोग रहने आ सकते हैं, तो उस बिल्डिंग का अब इंटरेस्ट जो भी पे कर रहेगा तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा बाकी। लेकिन हम एक बिल्डिंग ही बना रहे हैं पूरा 6 फ्लैट का, ऐसे का बिल्कुल ऐसे का। ठीक बात। तो सर अब 6 लाख का 6 फ्लैट का बिल्डिंग बना रहे हैं, और जब तक 6 का 6 घर कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई रहने आ नहीं पाएगा, क्योंकि पाइपिंग का काम तभी होगा जब 6 का 6 घर बन के रेडी हो जाएगा, मतलब बाकी 5 फ्लैट आपके पूरे रेडी हो गए, बट लोग आगे रह नहीं सकते जब तक 6ठा फ्लैट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो तब फिर आप पूरा कैपिटलाइज करते रहिए, मतलब 6 फ्लैट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते रहिए। लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा। अच्छा यहाँ पर बेटा लोन टेकन 10 लाख और बिल्डिंग बनी नहीं रहेगी तो सर कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई कैपिटलाइज मत कीजिए, पूरा का पूरा लोन का जो ब्याज चुका रहे हो पीएल में डाल दीजिए। ठीक। लास्ट मजेदार टॉपिक, इसी का पॉइंट लास्ट है। अगर मान लो मेरा जनरल बॉरोइंग है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, हम 2 लोन लिए है, एक 10% ब्याज वाला 10 लाख का लोन और एक 12% ब्याज वाला 10 लाख का लोन। अब उससे हम बिल्डिंग भी बना रहे, प्लांट एंड मशीनरी बना रहे, फर्नीचर भी बना रहे, कुछ वर्किंग कैपिटल में भी काम लगा रहे। बिल्डिंग 5 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख का है, फर्नीचर 6 लाख का है, वर्किंग कैपिटल 4 लाख का है, तो लोन 20 लाख और ये सारे एसेट का वैल्यू आ रहा है 25 लाख। ठीक है। तो कितना ब्याज कैपिटलाइज करें, 10% 12%, क्योंकि देखो 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 12% 1 लाख भी ऊपर नहीं देंगे। हाँ नहीं, यहाँ एक और दिक्कत है बेटा जी, ये लोन थोड़ा वर्किंग कैपिटल में भी काम लगे, थोड़ा गौर करो। अच्छा मतलब 4 लाख माइनस एक बार रुक जो, ऐसे नहीं देखो क्या करेंगे, अपने बोल रहे 10 लाख का 10% 1 लाख दे रहे हैं जी, प्लस 1,20,000 दे रहे हैं 10 लाख का 12% डिवाइडेड बाई लोन अमाउंट और टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर से डिवाइड मार, मतलब 20 लाख या 25 लाख दोनों में जो हायर है, सॉरी दोनों में जो हायर है, कौन सा हायर है, 25 लाख से डिवाइड मार लो, मारो डिवाइड इनटू 100 कर लो, आपका एक रेट आएगा। ठीक है। 8.8 आएगा बेटा, 8.8 है। तो आप ये 5 लाख का 8.8 कैपिटलाइज करो बिल्डिंग के लिए जो है, प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख का 8.8 कैपिटलाइज करो, फर्नीचर का 6 लाख का 8.8 कैपिटलाइज करो, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे जो 8.8 चुका रहे हो उसका पीएल में डालो। तो अगर आपका जनरल बोरिंग है, स्पेसिफिक नहीं है किसी एक एसेट के लिए, ऊपर क्या हो रहा था, एक एक ही एसेट था उसी के लिए लोन था, बट यहाँ क्या हो रहा है सर, 2 लोन है लेकिन एसेट खर्चा 4, आपको पता नहीं किस एसेट के लिए कौन सा लोन है, तब क्या करोगे, वेटेड एवरेज रेट निकाल लो ना, इसको वेटेड एवरेज रेट बोलेंगे ना, टोटल ब्याज डिवाइडेड बाय लोन और एसेट वैल्यू विच एवर इज हायर, से डिवाइड मारो रेट आ गया, अब उतना ही रेट तुम कैपिटलाइज करो, ना 10% ना 12%, तुम 8.8 वो पर्टिकुलर ये जो 3 एसेट है, ये तो एसेट है बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, उनके लिए आप कैपिटलाइज करो जितना ब्याज चुका रहे हो 8.8 करके, और ये वर्किंग कैपिटल के लिए जितना कर रहे हो वो पीएल में डालो, और ये तीनों एसेट भी अगर बन के रेडी हो चुका तो इनका भी आप पीएल में डालना चालू कर दे। ये तो आपका AS 60।